फिरोजाबाद में विकास कार्य के लिए एक पैर पर खड़े होकर हठ योग कर रहे बाबा। फिरोजाबाद के टोंडला क्षेत्र के गांव ग्वारही में एक संत क्षेत्र के विकास व जनकल्याण के लिए विगत कई वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर हठ योग में लीन है। इसके बाद भी किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। थाना टोंडला क्षेत्र अंतर्गत गाँव ग्वारही यमुना नदी की तलहटी में स्थित है। इस गाँव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है, इसको लेकर ग्रामीण परेशान है। इसी गांव में बच्चा बाबा का आश्रम है, जो जन कल्याण के साथ अन्य धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ग्रामीण उनका पूरा समर्थन करते हैं। जब बाबा को ग्रामीणों ने बताया, इसके बाद बाबा ने हठ योग करने का निर्णय लिया। क्यों इस तरह से आप मचान बना के ये बैठे हुए हैं? ये विकास के लिए क्या विकास चाहते हैं? आसपास तो सड़कें बहुत बन रही हैं। आपने देखा होगा, आप जब उधर से आए हैं तो आपने देखा होगा गांव के लिए कैसी बनी है, और गांव से यहां तक के लिए क्या सुविधा है। और ये जगत कल्याण के लिए सबका भला होना चाहिए। इस तरह से आप बैठे हुए हैं मचान पे, तो क्या आप जमीन पे या चारपाई पे नहीं सोते हैं? नहीं जी, 24 घंटा बस ऐसे ही चलता है। जब बारिश हो जाती है या बारिश आती है तो अंदर हो जाते हैं खड़े, बाकी ऐसा ही रहता है। और आज सब में अपना डेवलपमेंट देख रहा हूँ, जगह जगह मंदिर तो बनवा दिए हैं आपने। जी जी। अगर ये सड़कें और बिजली आपके खास तौर पे इसमें मंदिर में आ जाएगी तो आप इस हठ योग से मुक्त हो जाएंगे। जी, मैं विराम दे दूंगा। अब कभी कोई नेता अधिकारी आया आपके पास? हाँ, प्रेमपाल धनगर जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी मुड़के नहीं देखा और ना कभी पूछा ना देखा। ये मेरे को 3 साल हो गए।